हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बजाज फाइनेंस के शेयर के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि ये जो शेयर है अभी अप ट्रेंड बना रहा है या फिर डाउन ट्रेंड बना रहा है। अगर ये अप ट्रेंड बना रहा है तो ये कितने परसेंट तक का गेन किया है, और अगर ये डाउन ट्रेंड बना रहा है तो ये कितने परसेंट से डाउन में चल रहा है। और गाइस, हम इसमें पिछले दिन का भी सेंटिमेंट देखे हैं कि ये पिछले दिन बुलिश था या फिर बेरिश था। और गाइस, इसके नेक्स्ट डे का भी हम सेंटिमेंट देखेंगे कि अगले दिन ये बुलिश ट्रेंड बना सकता है या फिर बेरिश ट्रेंड। लगातार आप ऐसे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि गाइस, मैं प्रतिदिन आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, आपको मिलते रहेंगे। जब देख सकते हैं, मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया है। तो गाइस, आप वीडियो को पॉज कर यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियरली अच्छा से व्यू कर सकते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पर तो नहीं, लेकिन पूरे वीडियो में मैंने सिंगल वाइज करके सारे पॉइंट्स काफी क्लियरली डिस्कस किया है। नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन में सारे पॉइंट्स काफी क्लियरली और काफी अच्छे से आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो चार्ट पे बने रहे हैं। तो आप गाइस देख सकते हैं, मैंने 15 मिनट के कैंडल के साथ जो है बजाज फाइनेंस का चार्ट लगा रखा, और ये मैंने नॉर्मल कैंडल लगा। देख सकते हैं इसके आज का सेंटिमेंट। देखिए गाइस, ये काफी इसने गैप अप ओपनिंग किया था, उसके बाद से गाइस जो शेयर गिरना शुरू हुआ एकदम। आप देख सकते हैं लगातार गाइस आपको ये शेयर गिरता ही दिख रहा है, और लास्ट कैंडल इसने बियरिस के ही क्लियर किए हैं। और इसके फर्स्ट वाले कैंडल का, इसके पहले वाले का जो कैंडल, आपको ये डोजी कैंडल और शार्क डोजी कैंडल आपको क्लियर कर रहा है गाइस। और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल जायज है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ भी इसने आपको दिया था डोजी कैंडल बुलिश का, और उसके बाद जो है ट्रेंड रिवर्सल यानी कि बियरिस कैंडल देखने को मिले। और गाइस, फिर से इसने आपको डोजी कैंडल ही प्रोवाइड किया है और बियरिस कैंडल आप क्लियरली देख सकते हैं। तो गाइस, हो सकता है अगले दिन फिर से आपको ये शेयर गिरता ही दिखे। तो गाइस, अगले दिन हो सकता है आपको कुछ समय के लिए आपको बियरिस कैंडल दिखे, उसके बाद हो सकता है आपको बुलिश कैंडल देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस क्लियर, हम आगे पता करेंगे कि अगले दिन आपको कौन से कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, फिलहाल के लिए सेंटिमेंट जाने तो आप देख सकते हैं ये गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी गाइस ये शेयर आपको बेरिश बनाता दिखा, और ये जो शेयर है -1.62% से डाउन बनाया है। और गाइस, इसके पिछले दिन का सेंटिमेंट देखा तो आप देख सकते हैं इसने गैप डाउन ओपनिंग किया था गाइस, काफी ही बड़ा इसने गैप डाउन ओपनिंग किया था, और उसके बाद जो गाइस इसने आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड किया और काफी अच्छे अपने गैप्स को फिल किया है। और आप देख सकते हैं मैंने ये सीपीआर का चार्ट लगा रखा, और आप देख सकते हैं गाइस क्लियरली ये जो गाइस ये जो शेयर है इसने अपने सीपीआर का जो रेसिस्टेंस यानी कि इसका जो रेसिस्टेंस बन रहा था इसको इसने अचीव किया, और उसके बाद जो है गाइज आपको ये शेयर काफी नीचे गिरता दिख रहा है। इसने अपने आर्म को भी ब्रेक डाउन किया, और गाइज इसने अपने रेसिस्टेंस को भी ब्रेक डाउन कर रखा है। और गाइज, अगर फिर से अगर बियरिश कैंडल अगले दिन भी देखने को मिलते हैं तो हम आपको इसके रेसिस्टेंस यानी कि आर्मो के जो है यानी कि सीपीआर के चार्ट के अनुसार जो रेसिस्टेंस है और सपोर्ट्स क्लियर हो रहे हैं मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो गाइज, मैं आपको पहले सपोर्ट्स क्लियर करता हूँ। अगर अगले दिन आपको बियरिश कैंडल देखने को मिलते हैं तो इसका फर्स्ट सपोर्ट जो गाइज बन रहा है वो 5985 का बन रहा है, और गाइज इसका सेकेंड सपोर्ट जो बन रहा है वो 5940 का बन रहा है। और गाइज, अगर ये अपने एक आध सपोर्ट नीचे आने के बाद वापस से अगर बुलिश ट्रेंड बनाता है तो गाइज आप देख सकते हैं इसका जो आज का जो इसका सपोर्ट रहा है ये इसका फर्स्ट टारगेट भी हो सकता है, जो 6023 का बना सकता है। और गाइज, अगर ये इसको भी ब्रेकआउट करता है तो आप देख सकते हैं इसका सेकेंड टारगेट जो आर्मर का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर लाइन जो हुआ वो इसका सेकेंड टारगेट हो सकता है, जो 6079 पे बन रहा है। और गाइज, अगर ये इसको भी ब्रेकआउट करता है तो आप जान सकते हैं ये गाइज आप देख सकते हैं इसका 6137 का भी एक इसका टारगेट हो सकता है। और इसका लास्ट टारगेट मैं आपको क्लियर करूं सीपीआर के चार्ट के अनुसार तो आप देख सकते हैं 6172 का। तो गाइस, अगले दिन अगर ये बुलिश ट्रेंड बनाता है तो अपने सपोर्ट्स अचीव कर सकता है, ये इंट्राडे के अनुसार गाइस हो सकता है। तो गाइस, अगर इंट्राडे से बाहर निकले तो आप देख सकते हैं मैंने वन डे कैंडल के साथ जो है बजाज फाइनेंस का चार्ट लगा रखा है, और आप देख सकते हैं गाइस इसने लास्ट का जो कैंडल क्लियर किया है वो अपने सपोर्ट को अचीव करते हुए बियरिश कैंडल क्लियर किया है। और गाइस, ये जो शेयर है -1.62% से डाउन में चल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कई दिनों से अपने ये सपोर्ट्स पे ही कंसोलिडेशन कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहा है गाइस इसने अपने बीच में। आपको फिर से देख सकते हैं इसने डोजी कैंडल प्रोवाइड किया था यानी कि ट्रेंड रिवर्सल के लिए, लेकिन गाइस आप देख सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल भी इसने क्लियर किया, लेकिन फिर से वापस ये आपको डोजी कैंडल के अनुसार इसने आपको फिर से बियरिश कैंडल ही प्रोवाइड किए हैं। तो गाइज, अगर ये सपोर्ट्स को अनुसार इसी तरह अगर टच करते हुए बियरिश कैंडल बनाता है तो आप इसके सपोर्ट्स जान सकते हैं। तो गाइज, इसके सपोर्ट्स जो गाइज इसने अभी जो अचीव कर रखा है वो 6016 का अचीव कर रखा है, और अगर इसको ये ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं जो इसका सेकेंड सपोर्ट होगा वो 5804 का हो सकता है। और गाइज, अगर ये इसको ये ब्रेक डाउन करता है तो आप देख सकते हैं इसका जो थर्ड सपोर्ट होगा वो 5664 का हो सकता है।
गाइस इतना नीचे तो शेयर एनर्जी है, हो सकता है अगले दिन आपको बुल स्कैंडल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर बुल स्कैंडल देखने को मिलता है तो गाइस इसके टारगेट्स हो सकते हैं ये, आप देख सकते हैं इसके जो फर्स्ट टारगेट यानी कि क्लियर हो रहे हैं वो 6249 के क्लियर हो रहे हैं। और गाइस अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो आप इसके नए टारगेट भी जान सकते हैं जो आपको अचीव करके ये क्लियर कर सकता है। तो गाइस अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है, ये जो ब्लू वाला लाइन है 20 डे का मूविंग एवरेज है, ये जो येलो कलर का लाइन है 50 डे का, और गाइस ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है आपको वो 100 डे का मूविंग एवरेज है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसने अभी किसी भी मूविंग एवरेज को अचीव नहीं किया है। गाइस इसने यहाँ पे लास्ट टाइम इसने मूविंग एवरेज को अचीव किया था और अभी तक इसने किसी मूविंग एवरेज को अचीव नहीं किया है। अगर इसी तरह वीर स्कैंडल बनाता हुआ आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं अपने मूविंग एवरेज को अचीव कर सकता है। जो सबसे नजदीक का ये अभी बन रहा है वो 20 का मूविंग एवरेज जो 5913 पे क्लियर हो रहा है, इसको अपना सपोर्ट बना सकता है अगर नेक्स्ट डे फिर से बियर स्कैंडल क्लियर करता है तो। अपने 20 के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने के बाद हो सकता है आपको ट्रेंड रिवर्सल क्लियर करे। तो फिर गाइस अगर बात करें आरएसआई की, देखिए मैंने आरएसआई लगा रखा है और ये मैंने आरएसआई का ग्राफ लगाया हुआ है। गाइस आरएसआई जो है कई दिनों से आपको बाई का क्लियर सिग्नल प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन गाइस कुछ एक दो दिन पहले से ही आपको ये फिर से सेल का सिग्नल प्रोवाइड कर चुका है। और गाइस ये आपको बाई का सिग्नल फिर से प्रोवाइड करने वाला था लेकिन ये वापस से उसको ना सिग्नल क्लियर करते हुए, यानी कि गाइस आपको सिग्नल ये प्रोवाइड नहीं किया और गाइस वापस से इसने आपको सेल के सिग्नल की तरफ अपना रुख मोड़ते हुए आपको ये सेल का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस आरएसआई के अनुसार अगर चले तो हो सकता है अगले दिन आपको फिर से बियर स्कैंडल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आरएसआई जो है अभी आपको क्लियरली सेल का सिग्नल ही प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस अगर एमएसडी की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने एमएसडी लगा रखा है और ये मैंने एमएसडी का ग्राफ लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं गाइस कि एमएसडी जो है कई दिनों से आपको बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा था लेकिन ये अभी अभी गाइस इसने आपको सेल का सिग्नल प्रोवाइड किया है। 1 डे कैंडल के साथ जो एमएसडी आपको सेल का सिग्नल ही क्लियर कर रहा है। तो गाइस आपको पता है कि एमएसडी 1 डे कैंडल के साथ लेट सिग्नल देता है, इसलिए हम इसे 4 आवर में चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस 4 आवर में ये क्लियरली कई दिनों से आपको सेल का ही सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है और गाइस काफी क्लियर ये कर रहा है। और गाइस इसके अनुसार माने तो हो सकते हैं आपको फिर से बियर स्कैंडल ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एमएसडी जो है क्लियरली आपको सेल का सिग्नल ही प्रोवाइड कर रहा है। और कैंडल स्टिक भी आप देख सकते हैं गाइस, इसने आपको डोजी कैंडल यहाँ प्रोवाइड किया और उसके बाद आपको बियर स्कैंडल देखने को मिले हैं और इसने अपने सपोर्ट्स भी क्लियर किए हैं। वीडियो बनाने के लिए थैंक्स गाइस, इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि गाइस हमारे जो लगातार अपडेट्स आते रहते हैं, जो नए नए वीडियोज में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। और गाइस मैंने कुछ आपके लिए ब्लू चिप स्टॉक्स बाय ऑन डिप्स के लिए और स्विंग के लिए शेयर आपके साथ कंफर्म किया है, आप यहां से शेयर को खुद भी कंफर्म कर सकते हैं और शेयर को बाय करने के बाद काफी अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।